हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोला कबाब। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, हमने ये हमारे पास मटन खीमा है जिसको हमने पीस लिया है, एकदम महीन पीस लिया है। और ये हमारे पास हमारे 3G पेस्ट हैं, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट। और यहाँ पे हमने कुछ मसाले लिए हैं, नमक है टेस्ट के मुताबिक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा जीरा है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। और यहाँ पे हमने श्रेड की हुई ओनियन ली है। और यहाँ पे हमारे पास बेसन है, ये हमारा बाइंडिंग है, इससे हम बाइंडिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने अंडा भी लिया है एक, और यहाँ पे हमारे पास हरी धनिया पत्ती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने ये कीमा मटन ले लिया है, ये देखिए हमने इसको इस तरह से एकदम बारीक पीस लिया है। और अब हम इसमें जो हमारा पेस्ट है इसे डाल देंगे। श्रेड की हुई हमारे पास जो ओनियन थी हम उसे डाल देंगे। और अब हम अपने ये स्पाइसेस डाल देंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ये अंडा डाल देंगे। और जो हमारे पास ये बेसन है हम इसे डाल देंगे। और अब इसमें ये हरी धनिया पत्ती भी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ये ऑयल है दोनों हाथों पे हमें इस तरह लगा लेंगे। और आपके पास स्ट्रॉ हो या कोई भी ऐसी स्टिक हो, तो मेरे पास ही ऐसी स्टिक थी। तो अब हम इस तरह से इसको बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा बन गया है। और इस तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम यहाँ रख देंगे। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। और ये देखिए हमारे जो है कबाब बन गए हैं। और अब हमने इधर की तरफ पैन चढ़ा दिया है, हमने इसमें सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। अब हम इसमें हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है, अब हम कबाब इसमें रख देंगे। हम इनको तभी पलटेंगे जब ये अच्छे से एक साइड से तल जाएंगे।
ये देखिए एक साइड से हमारे कबाब हो गए हैं। ये देखिए हमारे एक साइड से हो गए हैं कबाब। और ये देखिए कबाब जो है हमारे अच्छे से हो गए हर तरफ से। ये देखिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये देखिए हमारे गोला कबाब जो हैं बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े के होते हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाकर अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। और हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।